पत्रकार दोस्त हैं और उनकी खासियत ये है कि जब मुझे मशहूर लोगों का, अब तो मेरी जान पहचान हो गई है, हक हो गया है, जब नहीं जानता था तो किसी भी मुझे मशहूर मुंबई से जुड़े व्यक्ति का नंबर चाहिए होता था तो मैं उसी को कभी प्यार से कभी धरेरा देके कि यार प्लीज़ नंबर, दिल्ली वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तब पी आर वी आर उतना होता नहीं था। रीना पारिक हैं, पहले पत्रकार थीं और अब टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, टीवी के लिए लिख रही हैं, वो आपको एक कविता सुनाएंगी। कविता है रोमांस के ऊपर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आजकल किस तरह से रोमांस जो है वो छूट रहा है पीछे, कितने बिजी शेड्यूल हो गए हैं सबके, तो इसी वजह से कि रोमांस को तो हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं, रोमांस को हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं, अब बचा है तो बस रिश्ता। एक मशीनी युग में जी रहे हैं हम, जहाँ मेरे सिंदूर का रंग हरा हो गया है तुम्हारी फाइलों की रंग की तरह। एक मशीनी युग में जी रहे हैं हम, जहाँ मेरे सिंदूर का रंग हरा हो गया है तुम्हारी फाइलों की रंग की तरह। कांच की इमारतों में मोबाइल गेम की किरदार की तरह दिखते हो तुम, कांच की इमारतों में मोबाइल गेम के किरदार की तरह दिखते हो तुम। इन शीशों के आर पार मेरी सांसों की आवाज़ नहीं पहुँच सकती, इन शीशों के आर पार मेरे सांसों की आवाज़ नहीं पहुँच सकती। मेरी चूड़ियों, पायल, झुमकों की अटखेलियों को तुम्हारे कंप्यूटर के कीबोर्ड की आवाज़ निकल जाती है, मेरी चूड़ियों, पायल और झुमकों की अटखेलियों को तुम्हारे कंप्यूटर के कीबोर्ड की आवाज़ निकल जाती है। रोमांस तो अब यशराज की फिल्मों में भी नहीं रहा, रोमांस तो अब यशराज की फिल्मों में भी नहीं रहा, जिन्हें देख कर सीखा था हमने अपने इश्क की दुनिया को रंगना। अब गिटार बजाती हुई मीरा बहुत रूखी और बनावटी लगती है, उसी मुस्कुराहट की तरह जो मुझे खुश करने के लिए अपने होठों पर चिपका लेते थे तुम कभी कभी। तुम्हारे हमारे बीच का रोमांस तो हथेली से रेत की तरह फिसल रहा है, तुम्हारे हमारे बीच का रोमांस तो हथेली से रेत की तरह फिसल रहा है। चाह कर भी न तुम पकड़ पाते हो न मैं, ज़रूरत बन गए हैं हम एक दूसरे की, उससे भी अधिक आदत जो अवचेतन में भी बनी रहती है, वरना सीख तो हम आज भी नहीं पाए हैं रिश्ते निभाना। कभी कभी सोचती हूँ एक कविता हो सकती थी ज़िंदगी, कभी कभी सोचती हूँ एक कविता हो सकती थी ज़िंदगी, एक सपना भी जो नींद में इस कृत्रिम दुनिया से अलग होने पर महसूस होता है, मगर नींद के टूटते ही यथार्थ के धरातल पर ऐसा बाजार बन जाती है जहाँ न सपनों का मूल्य है न कविता का। थैंक यू।